अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फर्स्ट टर्म ख़त्म हो गया है, आपने अपने टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए होंगे और आपको चेक होकर भी मिल गए होंगे। आज से हम फाइनल टर्म के पहले सबक का आगाज़ करेंगे। जी बेटा, ये हमारी उर्दू की किताब है। फाइनल टर्म का जो पहला सबक है वो एक नज़्म है। अच्छा चलें, अब मैं आपको अच्छे बच्चे की खसूसियात बताती हूँ। आप सब अपनी किताबें बंद कर लें और अच्छे बच्चे की खसूसियात गौर से सुनो। जी जनाब, अच्छा बच्चा कौन होता है? अच्छा बच्चा वो होता है जो अपना काम मामूल के मुताबिक करता है या अपनी ज़िंदगी एक मामूल के मुताबिक गुजारता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो वक्त पर सोते हैं, वक्त पर जागते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो वक्त पर सो जाएंगे तो वो सुबह भी जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठने से क्या होगा? जब वो सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह की सैर करेंगे, वर्जिश करेंगे। वर्जिश करने से उनकी सेहत अच्छी होगी। सुबह जब जल्दी उठेंगे तो वो वक्त पर स्कूल भी पहुँच जाएंगे। वक्त पर स्कूल पहुँचेंगे तो असातिज़ा भी उनकी तारीफ करेंगे। अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है, अपने वालदैन का कहना मानता है, असातिज़ा का कहना मानता है। आप भी तो अच्छे बच्चे हैं, आप भी अपने वालदैन का कहना मानते होंगे, असातिज़ा का कहना मानते होंगे, हमेशा सच बोलते होंगे, वक्त पर सोते होंगे, वक्त पर जागते होंगे। अब जो अच्छे बच्चे की सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। साफ़ सुथरे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। जब आप साफ़ सुथरे होंगे, आपके कपड़े साफ होंगे, आपके नाखून तराशे होंगे, बाल अच्छे से आपने बनाए होंगे, आपके दांत साफ होंगे तो आप खूबसूरत लगेंगे। दूसरे भी आपको देखकर आपकी तारीफ़ करेंगे। पता है ना सफाई कितनी ज़रूरी है? अल्लाह ताला को भी साफ़ सुथरे लोग पसंद हैं और सफाई निस्फ ईमान है। में हम अच्छे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। तो नज़्म पढ़ने से पहले मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ाऊंगी, फिर हम नज़्म तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। चलें अब हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। अब आप भी मेरे साथ ये अल्फाज पढ़ेंगे। वर्जिश, वर्जिश। चुस्ती, चुस्ती। सुलझे, सुलझे। सेहत, सेहत। इरादा, इरादा। माथे। सहरा, सहरा। अमल, अमल। खुशबू, खुशबू। लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना। भाई, भाई। उस्तादों, उस्तादों। झूला, झूला। सुथरे, सुथरे। जी बेटा, अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 निकाल लें। नज़म को तरन्नुम से पढ़ने से पहले आप जमात का काम और तारीख लिखेंगे। सफ़ा नंबर 66 पर भी और सफ़ा नंबर 67 पे भी। जमात का काम और तारीख। अब हम नज़म की तरफ आते हैं। आप अपनी उंगली किताब पर रखें और मेरे साथ पढ़ेंगे। सच बोले सच्चा कहलाए, वो बच्चा अच्छा कहलाए। वक्त पे सोए, वक्त पे जागे, वक्त पे खेले थोड़े भागे। वक्त पे खेले थोड़े भागे। वर्जिश करना आदत इसकी,
सादा सुथरे कपड़े पहने, सबसे अच्छी सेहत इसकी, इसकी चुस्ती की क्या कहने। सुलझे बाल, चमकता चेहरा, माथे पर नेकी का सेहरा, पढ़ने का है शौक ज्यादा, नेक अमल और नेक इरादा। उस्तादों का कहना माने, उनकी बात को अच्छा जाने, खेले कूदे झूला झूले, लिखना पढ़ना कभी न भूले। बात करे तो खुशबू आए, ऐसा बच्चा सबको भाए। जी बेटा, अब आपने नज़म को इसी तरह तरन्नुम से पढ़ना है। आप इसे ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों को तो बहुत मज़ा आया होगा वो इसे ज़ुबानी याद। अब मैं आपसे नज़म के बारे में सवालात करती हूँ, आप सबने जवाब देने। सच बोलने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ, सच बोलने वाले को सच्चा कहते हैं। वर्जिश करने वाले की सेहत कैसी होती है? वर्जिश करने वाले की सेहत अच्छी होती है। अगला सवाल है, क्या अच्छे बच्चे अपने असातिज़ा का कहना मानते हैं? जी हाँ, अच्छे बच्चे अपने असातिज़ा का कहना मानते हैं। अच्छे बच्चे खेल कूद के साथ क्या नहीं भूलते, सोचें। वेरी गुड, अच्छे बच्चे खेल कूद के साथ लिखना पढ़ना नहीं भूलते। आपने तो आसानी से जवाब दे दिए। अब आपने क्या करना है, आपने नज़म को 2 से 3 मरतबा तरन्नुम से पढ़ना है और ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं आप। कल हम इसके अल्फाज मुआयने करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।